हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमोल चीज वंस अगेन, एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर द मेन एंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स टू बिकम अ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल। सो मेनी पीपल यूज टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट गेट इन टू द बेस लाइन टारगेट्स कि CSP को किस तरह से हम सक्सेसफुली अचीव कर लें, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डू फेल अगेन एंड अगेन इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं कि किस तरह से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं वन शॉट, और सिंपली यू कैन से इन फर्स्ट अटेम्प्ट मैं इसको किस तरह से क्लियर कर सकता हूं, दैट इज फॉर यू। तो ये वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखें, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द हैक्स, एंड फाइनली इन द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ कूपन कोड थ्रू विच यू कैन अवेल अ वेरी डिस्काउंटेड का मतलब बिल्कुल ही चीप, बहुत ही सस्ता, नियर अबाउट कोई $8 to $12 आई बिलीव, और लेस देन दैट आपको पूरा प्रैक्टिस एग्जामिनेशन मिल सकता है, एंड यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि ये रिपीटेड एग्जामिनेशन होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। तो गाइज, मेरे पास काफ़ी सारी क्यूरीज आती हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट अ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विद अ VR ASP सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स, और सर्टेन क्राइटेरिया कि हमने किसी तरीके से रेसिप्रोकल एग्रीमेंट को मीट करते हुए CSP में एडमिशन ले लिया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बुक अवर एग्जामिनेशन, और वी हैव बुक्ड अवर एग्जामिनेशन इन ड्यू टाइम। Now it's the time to attempt the examination. How would we know that we are ready for the final examination or not? काफ़ी सारी क्यूरीज मुझे ये भी रिसीव होती हैं दैट जस्ट हमारे 2-3 मार्क्स या फिर 2-3 MCQs का अटेम्प्ट रिमेनिंग रह गया, जिसकी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए, अपने बेसलाइन टारगेट को मीट नहीं कर पाए, तो उसके पीछे रीज़न क्या रहे होंगे, एंड हाउ डू वी अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट टाइम। फिर एक क्यूरी ये भी रिसीव होती है कि क्या जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा वुड दैट बी ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस, उसके अंदर रिपीट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, एंड हाउ वुड वी इंगेज अवर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन रूम। चौथी क्यूरी ये रिसीव होती है जो बड़ी मोस्ट फ्रिक्वेंट है कि हाउ डू वी हैंडल द प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें एग्जामिनेशन रूम में, जो प्रेशर होता है 5 hours इज नॉट अ वेरी सिंपल, 5 hours and 30 minutes इज नॉट द वेरी सिंपल टाइम पीरियड विद इन अ कन्फाइंड एरिया। कन्फाइंड एरिया से मकसद मेरा वो कन्फाइंड स्पेस नहीं है, सो यू डोंट मिसलीड दिस इंफॉर्मेशन। तो किस तरीके से हम उस कमरे इम्तिहान के प्रेशर को सस्टेन कर पाएंगे, एंड हाउ डू वी अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस इन ड्यू टाइम मैनर, टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस तरह से हम इसको अटेन करें। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला, मैं रैंडम क्वेश्चंस को रैंडमली रिपीट कर देता हूँ और उसके आंसर्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना कर सकें। पहली क्यूरी है वो ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, हम किस तरह से अपने टाइम को कंट्रोल करते हुए चलें जब हमारे सामने CSP का GUI एग्जामिनेशन GUI आता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस आता है, या स्क्रीन्स आती हैं, तो किस तरह से हम ये अश्योर कर लेंगे हम टाइम्स को मीट कर रहे हैं। देखें, 5.3 hours मीन्स 330 minutes, यानी 330 minutes यू डू हैव फॉर द एग्जामिनेशन अटेम्प्ट, एंड विद इन दिस टाइम पीरियड आपने अपने टाइम को मैनेज करते हुए 200 questions आउट ऑफ विच 25 वुड बी बिग वन, और यू कैन से के एंग ऑफ मैथड जो है उसके अकॉर्डिंगली ये 25 मार्क्स वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। 175 मार्क्स में से आपका एग्जामिनेशन काउंट होता है, आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। तो ये किस तरह से मैनेज करेंगे, पहली चीज, यू नीड टू ओपन द एग्जामिनेशन फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टिल 200th question, यानी 200 सवाल जो आपके सामने आएंगे आप उसको रैंडमली या फिर इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आप उसको मूव करना शुरू करें। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप अपने एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली टाइम मैनेजमेंट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। 1 to 200 question तक बहुत सारे questions ऐसे आने वाले हैं जिसके answers आपको बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। Consider कर लेते हैं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो I believe कि आपको 80+ questions जो हैं वो बहुत successfully आते होंगे out of 200। तो आपने करना क्या है, जब आपके सामने GUI या फिर examination interface सामने होगा तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करना है और उसको एक ग्लिम्स में समझ लेना है, वेदर यू नो द एग्जामिनेशन आंसर और नॉट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है या नहीं आता, आप यू मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर आपको आता है तो उसका आंसर दीजिए और उसको विदाउट डूइंग इट अ फ्लैग्ड वन यू कैन मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ सकते हैं। व्हेन यू आर एट सेकंड क्वेश्चन एंड यू थिंक कि इसका क्वेश्चन 50-50 है, इसका आंसर 50-50 है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रैप नहीं कर पा रहा मैं इसको, तो बेटर ये है कि आप उसको फ्लैग फॉर रिव्यू करें एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर वे यू नीड टू गो थ्रू ऑल 200 क्वेश्चंस
और इसके लिए जो टाइमलाइन मैं आपको एडवाइस करता हूँ दैट मस्ट नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स से ज़्यादा का ये टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए जिसमें आप कंप्लीट 200 क्वेश्चंस को थॉरली रिव्यू करना. थॉरली रिव्यू करने का मकसद ये नहीं है कि बहुत इनसाइट इन डेप्थ जाकर आप हर एक क्वेश्चंस को देख रहे हैं. ये आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसका मकसद इस तरीके से समझिएगा कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्किमिंग करने के लिए कह रहा हूँ. यू रीड द क्वेश्चन इन वन ग्लिम्स एंड अंडरस्टैंड वेदर यू नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट. CSP के एग्जामिनेशन में कैलकुलेशंस बहुत कम आती हैं. प्रैक्टिकल नॉलेज related to the project management, related to certain strong areas of advanced occupational safety and health, wo zyada coverage hoti hai. So you need to understand ke kaun se aise grey areas hain jisko main jispe main 50-50 hoon aur kaun se aise strong areas hain jisko main 100 out of 100 hit kar sakta hoon. So you need to go from first question till 200th question. और उसमें आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा दैट आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही दिए हैं. आई बिलीव अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आउट ऑफ 200 आप 50-80 क्वेश्चंस सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें आपको श्योर होगा दैट यू आर 100% हिटिंग द बुल्स आई. नाउ रिमेनिंग रिपीट क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इन 200 में से, नेक्स्ट 200 का बंच आपके पास वही सामने आ रहा है नहीं, तो उसका रेशियो है अराउंड 60-40. यानी 40% आपके पास रिपीट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन से आते हैं. तो हर एक एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हुए बी वेरी केयरफुल, बी वेरी आप इसको क्या कहेंगे दैट यू नीड टू लर्न इट बाय हार्ट. नॉट लर्निंग इट बाय हार्ट, आप याद नहीं करने जा रहे, बट अपने माइंड में जरूर रखें बिकॉज एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हुए अप्रोच यही होनी चाहिए दैट यू आर गोइंग टू हिट द बुल्सआई. आप इसको क्लियर करने जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन केस कि अगर आप इसको सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पाए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किन नॉलेज एरियाज में से कौन से ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन रहे होंगे जिसको मैंने करेक्टली हिट नहीं किया, और उसको आप बाद में रिव्यू कर सकते हैं अपनी बुक्स में से जो कि आपके पास करिकुलम में गिवन होती है. एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बुक सिलेक्शन या रेफरेंस गाइड्स में एक और वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा रियली वेरी सून. तो रिपीट क्वेश्चंस 40-60. नाउ कैसे अश्योर करूं कि मेरे 2-3 मार्क्स बिलो आए हैं, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको बेहतर कर पाऊं. फर्स्ट ऑप्शन is to go through the practice examinations. आपके पास practice examinations के लिए बेहतरीन guides Span International की मौजूद है. उसके अलावा Bowens के आप daily quizzes पे subscribe कर सकते हैं जो कि आपको daily basis पे एक question send out करता है और उसके answers with explanations आपको मिल रहे होते हैं. तो Bowens is one of the very good resource. थर्ड रिसोर्स आपको इस वीडियो के एंड में एज अ कूपन कोड मिल रही है जिसमें आप मल्टीपल रिपीट क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस एग्जांपल्स आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा रहा और अगर मैं जिन एरियाज में परफॉर्म नहीं कर पाया तो उनके आंसर्स की एक्सप्लेनेशंस क्या हैं वो आपको मिल जाएंगी. तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. टाइम को बीट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्लियर CSP एग्जामिनेशन और द CSP अलाइक एग्जामिनेशंस लाइक CRSP, CFPS, इसी तरह के मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस को अगर आपको अटेम्प्ट करना है लाइक PMB, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बड़ी प्रॉपर आनी चाहिए. नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मुझे सपोर्ट्स एक्सटर्नल लेनी चाहिए? एक्सटर्नल सपोर्ट का मकसद कैन आई डू द सेल्फ स्टडी और शुड आई हैव द मेंटर? ठीक है, व्हेन यू गो टू द जिम एंड यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज योरसेल्फ, यू डोंट नो द करेक्ट एंगल्स, आपको करेक्ट एंगल्स नहीं पता होता है, यू डोंट नो द एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस व्हिच यू नीड टू परफॉर्म, किस मसल पे कौन सा एक्सरसाइज इफेक्टिव रहेगा और किस तरह से मैं पर्टिकुलर एंगल के थ्रू अपने मसल्स को हिट करने लगा, तो यू डोंट नो, बट यू कैन परफॉर्म स्टिल ब्यूटिफुल जिम अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एड्स. आपके पास वीडियोज मौजूद होती हैं, यूट्यूब की वीडियोज मौजूद होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्टफ मिल जाती हैं, यू स्टार्ट डूइंग दैट. बट आपको इफेक्टिवनेस उसमें कब मिलती है? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो CSP एग्जामिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह से, इफ़ यू विल गो बाय योरसेल्फ यू कैन डू इट स्टिल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, यू कैन डू इट एंड इट्स हाईली मैं प्रेफरेबल नहीं कहूँगा बट कहूँगा हाईली अप्रिशिएटेड दैट इफ़ यू गो फॉर द CSP और ESP एग्जाम प्रिपरेशन बाय योरसेल्फ, बट इट विल डेफिनेटली बी हाईली प्रेफरेबल दैट इफ़ यू गो विद द मेंटोर सो दैट यू कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि कौन से मेरे ग्रे एरियाज हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, पोटेंशियली वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मैं अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता हूँ वेरी फर्स्ट गो, बिकॉज दैट एग्जामिनेशन इज नॉट अ वेरी चीप एग्जामिनेशन. $360 विल वर्थ अराउंड विद द करंट रेट
60,000, 55 to 60,000 rupees. That's not the very small amount. So you're going to spend this much amount on particular examination. Your target should be to clear the examination. The first go, bullseye aap hit karein. अच्छा, एक और जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम किन एरियाज को पहले स्टडी करना शुरू करें. सो यू नीड टू गो टू द ब्लूप्रिंट फर्स्ट. आपको ब्लूप्रिंट को फॉलो करना जरूरी है. उसमें आप देखेंगे कि हाईएस्ट वेटेड एवरेज मार्क्स कौन सा डोमेन कैरी कर रहा है. फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100 10+% कैरी कर रहा है, तो यू शुड फोकस ऑन मैथमेटिक्स. नंबर वन. नंबर टू इज जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है. सेकेंड इज के यू आर विलिंग के आपका जो वीक एरिया है, यू नो इट, आप उसको पहले प्रिपेयर करें. एंड दैट्स व्हाट आई वुड आल्सो एडवाइज यू कि आप अपने वीकर एरियाज को पहले फोकस करें सो दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. और उन ग्रे एरियाज में आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए जिसको आप मार्क्स की मद में लूज कर सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू हैक्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट. और इसकी इम्प्लीमेंटेशन से आपको इफेक्टिवनेस जरूर मिलेगी. इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोज आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स, सर्टेन सॉल्व्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू ESP एंड CSP. कुछ ऐसी वीडियोज भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ. और ये सीरीज इंशाल्लाह वेरी सून चलती रहेगी कंटिन्यूसली चमोल चीज सेफ्टी वाला के पेज पे. आपको बहुत सारे मैं क्रेडेंशियल्स बताने लगा हूँ दैट यू शुड फोकस ऑन. आप अपने क्रेडेंशियल्स को, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को, अपने प्रोफेशनल एकेडमियों को किस तरह कैरी ऑन करें, कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस है दैट यू शुड हिट इन 2022 और 22 से लेकर 2025 तक आप हिट कर सकते हैं. मार्केट्स कौन सी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, लॉट ऑफ द स्टफ यू आर गोइंग टू लर्न विद दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल. यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी बट द इन डेप्थ कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. तो अब आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो लिंक जिसके थ्रू आप सब्सक्राइब करके फॉर अ वेरी चीपर प्राइस बिकॉज यू आर गोइंग टू बाय अ $360 एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल अटेम्प्ट. तो बेटर इज दैट टू स्पेंड $10 to $15 मोर एंड हैव द रिपीट क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. एंड वंस यू अटेन अराउंड 70% मार्क्स ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देन यू गो एंड स्केड्यूल योर फाइनल एग्जामिनेशन. तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो कॉमेंट्स के अंदर आप वो तमाम चीज़ डिफाइन कर दें. आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू सर्टेन अदर थिंग्स. टिल नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें. दिस इज सैयद अहमद शमोली साइनिंग आउट. फी अमानिल्लाह.